बहुत बार लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हमने प्लान की होती। सारी की सारी प्लानिंग, सारी की सारी तैयारियां करते तो हैं, पर किसी एक छोटी सी गलती या डिवाइन ऑर्डर पे सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती है। और ऐसे मोमेंट में एक ज़बरदस्त हताशा दौड़ जाती है। मन ऐसा करता है जैसे कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब कभी आपके साथ ऐसा हो रहा हो ना, मेरी ये बात अच्छे से ध्यान से सुनना। पता है, जिंदगी में बहुत बार मेरे साथ ऐसा होगा। अभी इसी मोमेंट पे मैं आपको एक हादसा बता रहा हूँ, अभी जो मेरे साथ हुआ है, जस्ट वो हादसा हुआ है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पीछे आप देख रहे हैं हरा पर्दा, ग्रीन स्क्रीन कहते हैं इसे। तो मेरे जो वीडियोस हैं जो मैं बनाता हूँ, उसमें बैकग्राउंड चेंज करते हैं मेरे दूसरे वाले चैनल पे। तो करीब 1 घंटे का पूरा एक सेशन तैयार हुआ, सेशन रिकॉर्ड किया गया, जिसमें करीब करीब 1 घंटे 7 मिनट के आसपास का एक कंटेंट तैयार हुआ। बहुत नॉलेजेबल कंटेंट, कोर्स का वीडियो था। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक हीलर हूँ, तो रेकी हीलिंग, लामा फेरा, एंजल हीलिंग, तो एंजल हीलिंग पर एक पूरा का पूरा सेशन तैयार हो रहा था। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बन के तैयार हो चुका था। मैंने बहुत तैयारियाँ की थी, बहुत देर तक मेडिटेट किया था, ध्यान लगाया था। मेरी टीम ने टचअप किए थे मेरे चेहरे पर, क्योंकि मैं बाहर से घूम के आया था, उनकी भी मेहनत लगी थी। हर चीज़ अरेंज किया गया था, शांति बना के रखा गया था बाहर, ताकि कोई आवाज़ ना हो। और जब वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ, मैंने शिद्दत से उस वीडियो को बनाया, अपने अंदर के हर ज्ञान को, अपने हर अनुभव को, अपने किए हुए आज तक के किए हुए हर तरीके को उसमें रखा। और वीडियो बनने के बाद हम खुशी खुशी पैकअप किए और लंच करने चले गए। और जब उस वीडियो को एडिट करने के लिए सिस्टम पे लगाया गया, तो पता चला उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। मतलब ये जो माइक मेरे कॉलर पे लगा हुआ है ना, ये माइक में कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से 1 घंटे 7 मिनट का वो कीमती कंटेंट जो इतनी तैयारी से बना था, बर्बाद हो गया। अभी इस जगह पे मुझे वही वीडियो दोबारा शूट करने के लिए बोला गया है मेरी टीम के द्वारा कि सर वो तो दोबारा करना ही पड़ेगा। पर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हलचल थी, बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे आपके साथ साझा करूं, क्योंकि हम सबके साथ ऐसा होता है ना जिंदगी की। ये तो बहुत छोटी चीज़ के लिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन मज़े की बात क्या है पता है, जब हमारे साथ वो चीज़ हुई होती है ना, तो बेशक वो कल हमारे लिए छोटी चीज़ होगी, बेशक वो किसी और के लिए छोटी चीज़ होगी, लेकिन हमारे लिए उस वक्त पे, जैसे मेरे लिए इस वक्त पे, वो चीज़ बड़ी है, वो पेन बड़ा है। आपके साथ भी लाइफ में ऐसा कई बार हुआ होगा, और उसे सोचकर आपको बाद में ये रियलाइज़ होगा कि इतना भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि मैं अभी पेन फील कर रहा हूँ कि मेरी पूरी मेहनत काइंड ऑफ बर्बाद हो गई। जब भी कभी ऐसा आपके साथ हो, जब भी कैसा हालात से आप गुजर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी हुआ है, जिसे देखकर आपको ये लगता है कि ये सही नहीं हुआ, तो बस ये सोच लेना कि कुछ चुकाना बाकी था, कोई कर्जा बाकी था, कोई सजा बाकी थी अपने ही कर्मों की, जिसे आपने चुका दिया। और ज्यादा अच्छा है कि ये ऐसे चुक गया, नहीं तो पता नहीं कैसे चुकाना पड़ता। बेशक हताशा आएगी, पहले भी आई थी, जैसे कि आप सबको पता है, आज से 3 महीने पहले मेरा पूरा चेहरा ख़राब हो गया था, एसिड बर्न हो गया था, रिएक्शन हो गया था, और तब भी मैंने आके अपनी व्यथा आप लोगों से कही थी, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था।
और आज देखिए आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से मेरा चेहरा पूरा ठीक हो गया। मेरा चेहरा और मेरे बाल कैसे हो गए थे याद है ना? तो लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती है, आपकी प्लानिंग्स कभी कभी फेल हो जाती है। हताश नहीं होना, फिर से एक बार खड़े होना, दोबारा कोशिश करना, शायद अब जो बनेगा वो पहले वाले से ज़्यादा बेहतर बनेगा, है ना? लेकिन ये मत भूलना कि अल्टीमेटली तुम भी इंसान हो, गलतियाँ तुमसे भी हो सकती है, तो खुद को माफ़ करो। अभी के लिए इस जगह को छोड़ के कहीं चले जाओ, बाहर जाके गोलगप्पे खा लो, आइसक्रीम खा लो, चॉकलेट्स खा लो, दोस्तों के साथ थोड़ी टफरी कर लो और फिर दोबारा नए सिरे से कोशिश करो। एक्चुअली मैं अभी यही करने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं, नमस्ते जी।